हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। फिनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स के अंदर आज हम देखेंगे कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं, कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या हैं, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के जो रिटर्न नोट्स हैं वो अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। देखो, मनी मार्केट या मार्केट का, जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये किसी पर्टिकुलर जगह के साथ रिलेटेड है। जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो कोई भी जगह जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग होती है। मनी मार्केट के अंदर जो काम होता है ज़्यादातर ओवर द फोन होता है। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स जो है दिए जाते हैं, लैंड किए जाते हैं और बोरो किए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो मनी मार्केट है, डैट इज़ दी लैंडिंग, एंड लैंडिंग का मतलब होता है जब हम उधार देते हैं, बोरिंग का होता है कि जब हम उधार लेते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फंड्स की जब बोरिंग करते हैं या उसको प्रोवाइड करते हैं। देखो, यहाँ पे जो मनी मार्केट की हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल कैश या मनी के साथ नहीं डील करता, ये डील करता है नियर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, जिनको हम बड़ी आसानी के साथ जो है मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं लिक्विड होते हैं, जिनको हम क्विकली जो है मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जब भी हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो ये एक टेलीफोन मार्केट होती है, मतलब ये जो बाइंग और सॉरी जो बोरिंग एंड लैंडिंग होती है फ़ोन के माध्यम से हो सकती है, जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से होती हैं। जैसे मुझे पैसे उधार लेने हैं तो मैं जो है लेंडर के साथ जो है फ़ोन पे बात करती हूँ, तो फ़ोन पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिस्कस हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो मनी मार्केट होती है, क्योंकि मनी मार्केट जो है पर्टिकुलर प्लेस की जगह पे नहीं होती, जहाँ पे भी जो फंड्स हैं उनकी बोरिंग एंड लैंडिंग होती है तो डैट इज़ कॉल्ड मनी मार्केट। और यहाँ पे जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स जो है या फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो है डीलिंग होती है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड जो है उधार दिए जाते हैं या उधार लिए जाते हैं। और ये जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये एक्चुअल मनी के साथ डील नहीं करता, ये नियर मनी जो है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूट, जिसको हम मनी के अंदर बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रेड बिल्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं। तो RBI जो है मनी मार्केट को इस तरह से डिफाइन करता है, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स डेट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। देखो, जो मनी मार्केट है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करता है, और ये शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ जो है डील करती है। और यहाँ पे हम क्लोज सब्स्टिट्यूट जो नियर मनी होता है उसके अंदर डील करते हैं, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स डेट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है जिसको हम बड़ी आसानी के साथ मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर न्यू फाइनेंशियल claims in the primary market and also for financial claims already issued in the secondary market। तो यहाँ पे देखो, ये short term funds के साथ जो है deal करती है। तो यहाँ पे जो मनी मार्केट की बात होती है तो यहाँ पे हम जो मनी के साथ डीलिंग नहीं होती, नियर मनी के साथ जो है इसकी डीलिंग होती है। और अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मनी मार्केट। देखो, जो मनी मार्केट है डैट डील्स विद ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, जिनका मेच्योरिटी रेट जो होता है लेस देन वन ईयर होता है। तो डैट डील्स विद द फाइनेंशियल एसेट जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है डैट इज़ लेस देन वन ईयर। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ज़्यादातर ये फ़ोन के माध्यम से होती हैं, और ये ब्रोकर के बिना भी हो सकती है, ब्रोकर की हेल्प के साथ भी हो सकती है। और इसके अंदर जो मनी मार्केट के कंपोनेंट है या सब मार्केट है, जो कि पर्टिकुलर फिनांसिंग के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कॉल मनी मार्केट है, एक्सेप्टेंस मार्केट है, बिल मार्केट है, एंड सो ऑन।
और उसी तरह इनके जो कंपोनेंट है, मैं पहले भी इसके ऊपर जो है वीडियो डाल चुकी हूँ, तो अपडेटेड लेक्चर्स के अंदर भी अब इसके मैं जो कंपोनेंट है उसके ऊपर डिटेल के अंदर जो है वीडियोस डालूंगी। तो जो देखो, जो मनी मार्केट के अंदर जो सेंट्रल बैंक जो है इसको रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, डिस्काउंट हाउस एंड एक्सेप्टेंस हाउस है जो मनी मार्केट के अंदर जो है बेसिकली जो है डील करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनी मार्केट। देखो यहाँ पे मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करती है, तो यहाँ पे जैसे कई बार देखो ये जो शॉर्ट टर्म लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करती है। जैसे कोई बैंक है जिसकी जो है जो रेशियोज हैं वो कम्प्लीट नहीं हो रही, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग ले सकता है, और उसी तरह जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए जो है इन्वेस्ट करके मनी मार्केट के अंदर जो है लैंड करके जो है लैंड करके जो है इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और उसी तरह देखो जो शॉर्ट टर्म डेफिसिट, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बैंक्स के जैसे फंड्स की डेफिशिएंसी होती है, उनके कैश रिजर्व रेशियो जो है स्टैचुरी रिजर्व रेशियो जो होते हैं कई बार कंप्लीट नहीं होते, तो वो यहाँ से मनी मार्केट से जो है उधार ले लेते हैं। तो जिन लोगों के पास सरप्लस फंड है बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो मनी मार्केट जो है उनको एक मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्ट करके फंड्स रेज कर सकते हैं। और उसी तरह जिनकी शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी जो है उनका डेफिशिएंट होता है, तो वो भी यहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं। और उसी तरह मनी मार्केट के माध्यम से क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो अपेक्स बैंक होता है उस देश का, वो मनी मार्केट जो है रेगुलेट कर सकता है और लिक्विडिटी को जो है पंप कर सकता है। और यहाँ पे मनी मार्केट जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं रीजनेबल कॉस्ट के अंदर जो है आसानी के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो मनी मार्केट है उसकी जो परक्यूजेट है सक्सेसफुल होने के लिए, एक तो हाईली ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रूल्स बनाता है वो तभी पॉसिबल है अगर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज तरीके से होती है और बैंकिंग फैसिलिटी जो है काफ़ी अवेलेबल होती है। और उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जो मेन बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो मनी मार्केट को सही ढंग से कंट्रोल कर सके। और मनी मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत सारे मनी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की सेकेंडरी मार्केट भी एक्टिव होनी चाहिए और बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी होने चाहिए जो कि इसके अंदर फंड्स प्रोवाइड भी करें। और उसी तरह क्या है कि वेल डिवेल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, टू वे कोर्स भी होने चाहिए, बाइंग रेट सेलिंग रेट्स इस तरह से होना चाहिए ताकि ये मनी मार्केट की सक्सेसफुल रनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेक्चर है इसके अंदर हमने देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखो अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो आपने ब्रीफली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में बताना है, फिर उसके बाद डिफरेंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेप्थ के अंदर इसलिए लिया है ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए और हम अच्छे ढंग से इसको जो क्वेश्चन है उसको वहाँ पे एग्जाम के अंदर जो है अटेम्प्ट कर सकें। कैपिटल मार्केट देखो, जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म के साथ डील करता है, कैपिटल मार्केट जो है ये लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील करता है और जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है मोर देन वन ईयर होता है। तो यहाँ पे ये कंपनीज को, सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को जो है फंड्स प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। और कैपिटल मार्केट को हम तीन जो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। तो जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है देखो, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो फंड्स रेज कर सकता है इक्विटी शेयर के माध्यम से, प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से, डिबेंचर और बॉन्ड्स के माध्यम से। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, लेक्चर लेके आऊँगी, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आप इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के बारे में जो है डेप्थ के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर जो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हैंड्स में होती है। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो शेयर जिनको डिविडेंड जो है दैट इज प्रेफर्ड ओवर द इक्विटी शेयर्स। अगर कल को कंपनी ने डिविडेंड देना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। डिबेंचर जो होता है दैट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, तो कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है बट कंपनी हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं वो इक्विटी शेयर के माध्यम से, प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से फंड जो है रेज कर सकती हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है, ये भी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कह देते हैं, क्योंकि ये उन सिक्योरिटीज़ के साथ डील करती है जो फर्स्ट टाइम इशू की जाती है। सेकेंडरी मार्केट होती है जो ऑलरेडी शेयर इशू हो चुके हैं, सिक्योरिटीज़ इशू हो चुके हैं, तो ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं, तो वहाँ पर इनकी ट्रेडिंग वगैरह जो होती है ये सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट करती है। अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है, इसके तीन सेगमेंट है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंड सेगमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, जिसको हम गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो होती है मनी मार्केट के अंदर होती है, सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो है इशू कर सकती है, और ये पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ RBI के द्वारा जो है सेल की जाती है। ट्रेजरी बिल जो होते हैं ऑक्शन पे सेल की जाते हैं। गवर्नमेंट जो है 100 की डिनोमिनेशन के अंदर सिक्योरिटीज इशू करती हैं, और यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है हाफ ईयरली पेबल होता है, और ये जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके ऊपर ज़्यादातर जो है टैक्स एग्जम्पशन होती है। और उसी तरह हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन मार्केट, तो यहाँ पे टर्म लोन मार्केट जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, रीजनल लेवल पे भी करती है, नेशनल लेवल पे भी करती है, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म फंड जो है प्रोवाइड किए जाएँ। उसी तरह मॉर्गेज मार्केट होते हैं, जहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो है गहने रख के जो है उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और ये मॉर्गेज मार्केट के अंदर जो है इक्विटेबल मॉर्गेज भी होता है, लीगल मॉर्गेज भी हो सकता है। देखो इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जैसे मान लो मेरे पास 5 किले ज़मीन है और मुझे एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फ़ंड चाहिए, तो मैंने 5 किले ज़मीन जो है अपनी जो है गिरवी पे रख दी है, तो वहाँ पे उसकी जो टाइटल डीड्स हैं वो जैसे मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास रख दिए हैं, डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो वो इक्विटेबल मॉर्गेज है। लीगल मॉर्गेज होता है कि जब यहाँ पे लीगली जो है जो टाइटल है वो लेंडर को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको हम लीगल मॉर्गेज कहते हैं। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी देके उसके अगेंस्ट जो है लोन लिया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन मार्केट के अंदर ही क्या है, गारंटी फाइनेंशियल गारंटी मार्केट है, जहाँ पे जैसे मान लो ए ने बी से लोन लेना है तो सी उसकी गारंटी देता है। तो ये गारंटी जो है दो तरह की होती है, एक परफॉर्मेंस गारंटी है जहाँ पे जो ग्रंटर है वो कहता है कि आपको प्रॉपर जो है पेमेंट मिलेगी, आपका जो एग्जीक्यूशन होगा, जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की गारंटी लेता हूँ, तो ये परफॉर्मेंस गारंटी होती है, जिसके अंदर जो अर्नेस्ट मनी है, रिटेंशन मनी है, एडवांस पेमेंट है, नॉन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं। फाइनेंशियल गारंटी के अंदर सिर्फ जो पैसा दिया हुआ है उसका, जैसे मान लो ए ने बी से 5 लाख लोन लिया है तो सी उसकी गारंटी देता है, तो सिर्फ सी जो है पैसे की गारंटी देता है, तो ये फाइनेंशियल गारंटी होती है। तो यहाँ पे जो गारंटी मार्केट है, जैसे हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो डेफर्ड पेमेंट्स, जो पेमेंट जो हमें फ्यूचर में देनी होती है या लेनी होती है, और उसी तरह जो मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं उनके अंदर गारंटी, और ये जो गारंटीज होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो है प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या हैं। देखो कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म फंड्स रेज किए जाते हैं, और ये बेसिकली जो है मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है डील करता है, जैसे शेयर्स या डिबेंचर्स है जिनको हम आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे जनरल पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। और कैपिटल मार्केट जो है दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट के अंदर जो काम होता है ये इंटरमीडियरी की हेल्प से होता है, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, कलेक्शन बैंकर की हेल्प से होता है। अब हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करती है, वहाँ पे जो पीरियड है 1 ईयर से एक्सीड नहीं करता, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील करती है, और जहाँ पे ड्यूरेशन जो होती है डैट इज़ मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पे जो करंट बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जो बैंक्स की जो टेम्प्रेरी डेफिशिएंसी होती है, या किसी के पास शॉर्ट टर्म के लिए सरप्लस फंड्स होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली जो है ये मनी मार्केट जो है वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, मतलब ये शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करती है। कैपिटल मार्केट जो है ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बिल ऑफ
एक्सचेंज है, ट्रेनिंग बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, लेकिन जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो मनी मार्केट है, इसके अंदर जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है उसका अमाउंट जो होता है सिंगल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कमर्शियल पेपर है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है तो मिनिमम ये 25 लाख का है। और यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपीज़ भी हो सकती है, डिबेंचर की वैल्यू जो है 100 भी हो सकती है। यहाँ पे स्मॉलर अमाउंट की डिनोमिनेशन होती है। देखो जो मनी मार्केट है डेट इज़ रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट जो है डेट इज़ रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मनी मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर डिवेलपमेंट बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं उनका रोल जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। देखो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका कई बार सेकेंडरी मार्केट नहीं होता, बट कैपिटल मार्केट के अंदर पहले प्राइमरी मार्केट के अंदर फंड रेज किए जाते हैं, फिर सेकेंडरी मार्केट का होना एसेंशियल है, क्योंकि जो भी कंपनी जो है पब्लिक इशू जो लेके आती है उनकी लिस्टिंग करानी जो है कंपल्सरी होती है। और यहाँ पे जो मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जनरली ये ओवर द फोन होती है, कोई फॉर्मल प्लेस पे नहीं होती, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो होती है पर्टिकुलर प्लेस के अंदर सिचुएटेड होती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे के अंदर सिचुएटेड है। और उसी तरह जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये बेसिकली क्या है, ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे जो मनी मार्केट है यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं होती कि इनको हम ब्रोकर्स की हेल्प से ही करें, ट्रांजेक्शन जो है ब्रोकर की हेल्प से भी हो सकती हैं और ब्रोकर के हेल्प के बिना भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ब्रोकर्स की हेल्प ली जाए, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होता है कि ऑथराइज डीलर के द्वारा जो है ट्रांजेक्शन होती है।